Yes, how are you? I hope you all are fine. And I'm also fine. Today, I'm going to start your 6th chapter. In this chapter, we will study the what is factor and what is multiples. So, firstly, we start from factors. What is factors? I'll give you the definition of factor. Factor is when a number divides another number exactly, then the divisor is called the factor. ओके इन हिंदी अगर हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या होगा फैक्टर होता है लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए हमारा जो डिवाइडेंड है वो डिवाइजर से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए इट मींस आवर रिमाइंडर इज विल बी जीरो ओके सो फाइंड एग्जाम्पल फाइंड द फैक्टर ऑफ Find the factor of 18. All factors. Find all the factors. Okay? We have to find all the factors of 18. So, we know that how many numbers which we divided 18. Then first number is also be a factor of any number is 1. Then first factor of 18 is equals to 1. Okay? हमारा जो 1 होता है हम इससे किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं चाहे वो हमारी वैल्यू थाउजेंड्स की हो टेन थाउजेंड्स की हो लाख की हो कितनी भी बड़ी वैल्यू हमारी इसको क्या कर सकते हैं हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो हमारा फर्स्ट डिवाइजर क्या होगा 1. ठीक है उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो 18 है वो किस किस की टेबल में आ रहा है लाइक 2 की टेबल में आता है क्या 18 हमारे पास में 2 1 2 2 2 4 2 2 5 इस तरीके से अगर हम हमारी 2 की टेबल बोलेंगे तो 2 9 का कितना होता है 18 ठीक है तो 2 18 को क्या कर देगा कंप्लीट डिवाइड कर देगा कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब है 18 डिवाइडेड बाय 2 2 9 18 और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0 इट मीन्स हमारे रिमाइंडर में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए तब ये हमारा क्या होगा कंप्लीट फैक्टर माना जाएगा ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम फैक्टर बोलेंगे कंप्लीट फैक्टर हमारा कि हमने इसको 2 से जब डिवाइड करके देखा तो इससे क्या हो रहा था एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था तो ये 2 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा लाइक 2 देन हमें इससे इसको करके देखना 3 से डिवाइड 3 से 3 की टेबल में हमारे पास में 18 होता है ना 18, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 6 2 is 3, 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15, 3 6 is 18. होता है ना 3 6 is 18, हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे 3 राइट करेंगे 3 से भी ये डिवाइड होता है 4 की टेबल में 18 होता है कि हमारे पास में नहीं होता है 4 की टेबल में 5 में भी हमारे पास में 18 नहीं होता है 6 की टेबल में होता है हमारे पास में 18. 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18 कितना होता है 6 3 18 तो 6 भी इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा ठीक है उसके बाद में हम 7 की टेबल बोलते हैं 7 की टेबल में भी हमारे पास में 18 नहीं होता है 8 की टेबल में भी नहीं होता और 9 की टेबल को जब हम बोलते हैं देन 9 1 9 9 2 18 ठीक है इस तरीके से हमें उसकी टेबल बोल के देखनी है कि किसके टेबल में हमारे पास में ये नंबर आ रहा है तो किसके टेबल में आ रहा है 9 1 18 ठीक है तो 9 को हम लोग इससे करके देखेंगे तो 9 टू जा 18 ठीक है 9 को हमने कर लिया 2 जा आ गया अब हमारे पास 9 टू जा 18 आया ना इट मीन्स जब हमने 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके हमारा आंसर कितना आया है 18 तो उसके अलावा हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर 18 हो जाए तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है या फिर हम लोग ये सोचे कि इसकी ट्रिक भी होती है ठीक है ये ट्रिक क्या है हमें इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि इसके बाद में हमारे कौन कौन से मल्टीपल्स हो गए या फिर कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके बाद में तो जहां पर भी हमारे पास में टूजा की फॉर्म आ जाए टूजा मतलब यहाँ पे क्या था 9 टूजा 18 आया था हमारे पास में तो इसके बाद में हमारे जो भी फैक्टर होंगे सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है इसके बाद में ये नंबर इटसेल्फ ठीक है जहां पर भी टूजा वाली फॉर्म आ जाती है हमारी वहां पर ही हमारा क्या हो जाता है ये नंबर एग्जैक्टली वही नंबर हो जाता है क्या होगा वही नंबर 18 तो ये सारे इसके क्या होंगे फैक्टर्स हो जाएंगे क्या हो गया हम 1 को भी 1 से भी 18 को डिवाइड कर सकते हैं
टू से भी कर सकते हैं, थ्री से भी कर सकते हैं, सिक्स से भी एटीन को डिवाइड करेंगे, नाइन से भी कर सकते हैं और एटीन से भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जिस नंबर से हम लोग 18 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, हमारा अगर जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाता है, तो वो नंबर्स इसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। जब हमें क्या करना है, 32 के फैक्टर फाइंड करने, ठीक है। 32 के फैक्टर फाइंड करते हैं हम। सबसे पहला फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है? वन, ठीक है। और अगर हमारा नंबर इवन है तो इवन नंबर के लिए हमारा इसका फैक्टर टू भी ऑलमोस्ट होगा, ठीक है। इवन और ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, फर्स्ट से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर हमारा ये इवन नंबर है, ठीक है, तो ये क्या होगा, टू से हमेशा डिवाइड होगा। अगर ऑड नंबर है तो नहीं होगा, और अगर है तो ये टू से हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर टू भी हो जाएगा। अब हम इसको थ्री से डिवाइड करके देखते हैं। थ्री की टेबल पे कहीं पे 32 आता है क्या? थ्री टेन जा 30 होता है, ठीक है। उसके बाद में थ्री इलेवन सा अगर हम देखें तो 33 होता है, ठीक है। थ्री इलेवन सा कितना होगा? 33। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा उसका आंसर। 32 तो नहीं आया ना उस टेबल में, तो अगर 32 उसकी टेबल में नहीं है तो उसका मल्टीपल क्या नहीं होगा? 32 इसमें डिवाइड नहीं हो सकता 3 से। अब हम इसको करेंगे 4 से डिवाइड। 4 की टेबल में तो वैसे ही 32 आता है, तो 4 से ये डिवाइड होता है। 5 की टेबल में नहीं होता, 6 की टेबल में भी हम लोग 32 को कहीं फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज 6 5 जा 30 होता है, उसके बाद में 6 6 जा 36 होता है, ना कि 32, ठीक है। 7 की टेबल अगर हम देखें तो 7 की टेबल में भी नहीं आता। 8 की टेबल अगर हम लोग बोलते हैं तो 8 4 जा कितना होता है? 32। तो 8 से भी ये क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद में 7 से 8 9 से करके देखेंगे, 10 से करेंगे, 11 से करके देखेंगे, 12 से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करके देख लेंगे हमारे डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जिसकी टेबल में भी ये 32 आता है उसकी टेबल से ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसको 16 से, ठीक है। बाकी हमने करके देखा, बाकी किसी की टेबल में 32 नहीं होता है, तो हम इसको किसके करेंगे? 16 से। 16 1 16 16 2 32 ना हो गया, 16 से भी ये डिवाइड हो गया। इट मीन 16 भी इसका क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास में? 16 टूजा वाली फॉर्म आ गई है, और टूजा की फॉर्म आ गई है तो हमारा लास्ट फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? 32। इट मीन्स ये इटसेल्फ नंबर हो जाएगा, क्या होगा? 32, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक और नंबर के फैक्टर फाइंड करते हैं। लाइक हमारे पास में नंबर है 23। हम देखते हैं किस किस की टेबल में आता है, तो 1 से तो हमेशा ये डिवाइड होगा, कोई भी नंबर हो 1 से तो डिवाइड होगा। इसके बाद में 2 से देखते हैं, इवन नंबर है क्या ये? इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से करके देखते हैं, 3 की टेबल में तो कहीं पे नहीं आता 23। 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, किसी की भी टेबल में नहीं आता। ओनली ये 23 किसकी टेबल में आता है? इटसेल्फ की टेबल में, ठीक है। बाकी किसी की टेबल में 23 नहीं होता है। 23 या तो 1 की टेबल में होता है या फिर इटसेल्फ की टेबल में, इट मीन्स खुद की टेबल में होता है, ठीक है। तो इसके दो ही मल्टीपल होंगे, 1 और 23। इस तरीके के हमारे काफी सारे नंबर्स होते हैं जिसके मल्टीपल्स ओनली 1 और वो इटसेल्फ नंबर होता है, बाकी कोई नंबर उसका मल्टीपल नहीं होता, सॉरी फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे फैक्टर्स की, कि हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स के लिए हमने देख लिया, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1 उसका फैक्टर होता है, उसके बाद में देखेंगे कि अगर हमारा नंबर सम है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे? उसको 2 से हमेशा डिवाइड होगा वो, और अगर ओड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में हम लोग करके देखेंगे इसको 3 से, 4 से, 5 से, और जो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? लास्ट फैक्टर जो होगा हमारा वो या तो ये नंबर खुद होगा, ठीक है, लास्ट जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? ये नंबर इटसेल्फ नंबर होगा, लास्ट फैक्टर क्या होगा? यही नंबर हो जाएगा हमारे पास में। इससे ज्यादा हम इसके फैक्टर्स राइट नहीं कर सकते। ऑल फैक्टर्स का मतलब है कि यहाँ तक हमने ये जो फैक्टर राइट किया इसके, यही इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, अदर इसका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता,
ठीक है, अदर किसी भी नंबर से ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे, उससे पहले हम मल्टीपल के बारे में देख लेते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल्स मल्टीपल्स होते हैं, अभी हमने फैक्टर्स के बारे में देखा था कि हम अगर किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, तो अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो उसका फैक्टर होगा, लेकिन जो डिवाइडेंड होगा, ठीक है, उसके अंदर जो डिवाइडेंड है वो उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, व्हेन ए नंबर डिवाइड्स अनोदर नंबर एग्जैक्टली देन द डिवाइडेंड इज कॉल्ड मल्टीपल। ठीक है, जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स अगर उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाता है, तो ये नंबर इसका हमारा डिवाइडेंड क्या होगा, मल्टीपल होगा। लाइक हम लोग यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको करके देखते हैं, मल्टीपल्स कैसे फाइंड करेंगे हम। हमें फाइंड करना है मल्टीपल ऑफ वन, ठीक है, वन का मल्टीपल फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वन वन जा वन, वन टू जा टू, इट मीन्स इसको हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। लाइक हमें फाइंड करने हैं फर्स्ट सिक्स मल्टीपल्स, तो वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, वन फाइव जा फाइव, वन सिक्स जा सिक्स। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसके मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे। मल्टीपल्स के लिए हमें क्या बोलना है, इसके सिर्फ टेबल बोलनी है। अब लाइक हमें बोल रहे हैं कि इसके फर्स्ट इलेवन मल्टीपल्स फाइंड करो, 11 मल्टीपल्स ऑफ 2 फाइंड करवाना है लाइक हमें, तो 2 के हम लोग 11 मल्टीपल्स कैसे फाइंड करेंगे, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8, 2 फाइव जा 10, 2 सिक्स जा 12, 2 सेवन जा 14, 2 सिक्स जा 2 सेवन जा 14, 2 एट जा 16, 2 सेवन जा 2 नाइन जा 18, 2 टेन जा 20, ठीक है, 2 टेन जा 20 तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया, लेकिन अभी हमें क्या करना है, 11 तक फाइंड करना है। तो 2 को हम जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, 22। इट मींस अगर हमें किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करवा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें उस नंबर में क्या फाइंड करना है, उसको उतने ही नंबर से क्या करते जाएंगे, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लाइक अगर फर्स्ट सिक्स मल्टीपल्स पूछ रहा है तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, 4, 5, 6, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर राइट कर देंगे। मल्टीपल्स हम लोग इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए कि हम फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे और मल्टीपल्स किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब हम इनके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें ये एकदम इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम हमारे एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Find all the factors. Find all the factors. ठीक है, हमें factors find करने हैं, सारे factors इस number के। तो number क्या है हमारा, 25, 16, 19, 27 and 35. ओके, ये नंबर से हमारे इन सभी के हमें क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे राइट कर लिया, क्या है, 25। इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, फर्स्ट फैक्टर तो इसका क्या हो जाएगा, 1। अब हमें देखना है इवन नंबर है क्या ये, नहीं है, इवन नहीं है तो इसको 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर इवन नंबर नहीं है ये तो ये और बाकी हमारे जो इवन्स आएंगे इसके बीच में उनसे भी डिवाइड नहीं होगा।
ठीक है, अगर ये नंबर इवन नंबर है तभी जाके हमारे किससे मल्टीप्लाई होता है, ये किससे डिवाइड होगा, बाकी जो हमारे इवन नंबर्स है उनसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड नंबर 25 को हमने 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड कर लिया, 2 से हम कर नहीं सकते, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 के टेबल में कहीं 25 नहीं आता है क्योंकि 3 8 का कितना होता है 24, उसके बाद में 3 9 का 27 होता है। ठीक है, तो हम लोग 3 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 अगर ये इवन नंबर नहीं है तो इसको 4 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हमारा इवन है तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इवन नंबर से, अदरवाइज हम उसको कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना। तो 5 का कितना होता है 25, तो यहाँ पे 5 से ही क्या है फैक्टर है 5 इसका। ठीक है, 6 से करेंगे नहीं कर सकते, 7 से करके देखेंगे 7 के टेबल में आता नहीं है कहीं पे, इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करके जाएंगे। ठीक है, करते जाएंगे, जिस भी नंबर से ये मल्टीप्लाई हमें फाइंड आउट होता है उस नंबर से हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको करते जाएंगे, 10 से भी नहीं हुआ, 12 से भी नहीं हुआ, 15 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरीके से करते जाएंगे तो ये लास्ट में किससे जाके होगा मल्टीप्लाई, 25 से। तो इसके ओनली 3 फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से, 1, 5 और 25, बिकॉज ये सिर्फ इन्हीं की टेबल में आता है, अदरवाइज इनके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है। इसके आगे के तो हम लोग को फैक्टर फाइंड करने नहीं है क्योंकि लास्ट फैक्टर हमारा क्या होता है, अगर वो नंबर हमारा आ गया तो वो हमारा लास्ट फैक्टर होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता उस नंबर का। नेक्स्ट हमें देखना है 16 के फैक्टर्स देखने हैं। 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, 2 से डिवाइड हो रहा है ये क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए 2 से भी डिवाइड होगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 2 हमने राइट कर लिया। 3 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर क्योंकि 3 के टेबल में हमारे पास में कहीं पे 16 नहीं आता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, 4 से डिवाइड होता है ये। 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से भी डिवाइड नहीं होता ये। 7 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर हम किससे करेंगे, 8 से डिवाइड, तो 8 2 16, 2 वाली फॉर्म आ गई ना, तो अब हम क्या करेंगे इसको सीधा 16 से डिवाइड करेंगे। जहां पर भी 2 वाली फॉर्म आ जाती है उसके बाद हम डायरेक्ट उसको उसी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इजी हो गया नहीं हमारे लिए फैक्टर फाइंड करना, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करते गए, उसके बाद में हमें क्या करना है, डायरेक्ट अगर 2 वाली फॉर्म आ जाती है तो हम लोग उसको 16 से डिवाइड करेंगे। और 2 वाली फॉर्म हमारे पास में कहाँ पर आती है, सिर्फ जब हमारे पास में इवन नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम हमारे थर्ड नंबर को करते हैं, क्या है 19 ओनली 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से डिवाइड होगा, बिकॉज 19 किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 19 को एज इट इज राइट करेंगे, इसके बाद में हम करेंगे 27 को, 27 को करेंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड है ये, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इवन नहीं ओड नंबर है। ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 9 27, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, इस तरीके से काफी सारे नंबर से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है, किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 9 3 27, किससे होगा, 9 3 27 और एक खुद 27। ठीक है, इट मीन्स जिसकी भी टेबल में 27 आ रहा है वो उसी नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, अदरवाइज किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता। और लास्ट नंबर हम देखेंगे क्या है 35 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, और अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये बाकी किसी भी उससे नहीं होगा। ठीक है, 4 से करेंगे, ये अगर हमारा नंबर किसी, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो किसी भी जो हमारा इवन नंबर है उससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी इवन नंबर से हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ ओड नंबर से करके देखेंगे। ठीक है, 4 से नहीं करेंगे, 5 से करके देखेंगे तो 5 से होता है, 5 से हो गया ये हमारा डिवाइड, इसके बाद में 6 से नहीं करेंगे, 7 से करेंगे तो 7 5 35, इसके बाद में हम करेंगे 9 से नहीं होता है ये, 11 से करेंगे, 11 से करने के बाद में हम लोग करेंगे 13 से, फिर करेंगे 15 17, इसके बाद में 19,
देन 21, और ऐसे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे ओड नंबर से तो ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका लास्ट में 35। इट मीन्स इसके सारे जो फैक्टर्स है वो यही है, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग इसके क्या फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ मल्टीपल के एग्जाम्पल, ठीक है। हमें क्या करना है, मल्टीपल फाइंड करने, फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। क्या है हमारे पास में, 18, 20, 30, 15 एंड 12, ठीक है। ये नंबर्स हमारे पास में, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो हम 18 से स्टार्ट करते हैं, 18 को हम सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 18 वन जा 18, फिर इसको 2 से करेंगे तो 18 टू जा कितना होता है 36, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 18 थ्री जा कितना होता है 54, 18 फोर जा 72, 18 फाइव जा 90, 18 सिक्स जा 108 एंड 18 सेवन जा 126, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, इसके मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें क्या फाइंड कर रहे हैं, 20 के 7 मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं, 20 इसके 7 मल्टीपल्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, क्या करेंगे हम लोग, 20 वन जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, इसके बाद में 120, फिर 140, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसके 7 मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 7 मल्टीपल्स हमने फाइंड कर लिए, क्या किया हमने, 20, 40, 60, 80, इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करते गए हम लोग, क्या क्या हमने मल्टीप्लाई करते गए, ठीक है। अब हमें फाइंड कर रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 30, तो 30 के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 टाइम्स, 30 वन जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 120, 35 जा 150, 36 जा 180 एंड 37 जा 210, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लेना है, 30 के मल्टीपल्स फाइंड कर लेने। फिर हम करेंगे 15 के मल्टीपल्स फाइंड, तो 15 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे हमारे, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60, 15 फाइव जा 75, 15 सिक्स जा 90, 15 सेवन जा 105। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, 15 के भी मल्टीपल्स यहाँ पे राइट कर लेंगे। इसके बाद में हम करेंगे 12 के मल्टीपल्स फाइंड, इसके मल्टीपल्स फाइंड करेंगे 12 के, इट मीन्स इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे जितने भी टाइम्स हमें बोला गया है। तो इसके मल्टीपल्स कैसे हो जाएंगे, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60, 12 सेवन जा 72, 12 एट जा 84, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लेने हैं, इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। मल्टीपल के लिए हम लोग जितने टाइम्स के लिए हमें मल्टीपल बोला गया है, जितने मल्टीपल्स हमें फाइंड करने हैं, उतने टाइम्स हम क्या करते जाएंगे, हमारे नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और ये इसके सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसके फैक्टर्स और मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेंगे। फैक्टर्स में हमें फाइंड करना है कि हम लोग किस किस नंबर से उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, और मल्टीपल में हमें क्या करना है, जितने टाइम्स हमें मल्टीपल पूछा गया है उतने टाइम्स हम उसको क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे।